नमस्कार मित्रों, महाप्रज्ञा परिवार और आपका स्वागत करता है। जैसा कि आपको जानकारी है, आज गुरु पूर्णिमा है और आज हम गुरु पूर्णिमा और गुरु हमारी भारतीय संस्कृति की गुरु परंपरा के बारे में विचार विमर्श करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं महाप्रज्ञा कॉलेज के डायरेक्टर श्री शंकरसन पंडा जी। आज हम इनसे कुछ प्रश्न जो हम सभी के दिमाग में होते ही हैं, उन सामान्य प्रश्नों की जानकारी लेंगे और उनके दार्शनिक मत का उद्बोधन करेंगे। ठीक है, थैंक यू अनिल। आप सभी दर्शक जो YouTube के माध्यम से महाप्रज्ञा कॉलेज की चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को आज के दिवस का मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरे छात्र अनिल ने जो कहा है, मैं एक उसमें फैक्ट जो तथ्य है उसको मैं करेक्ट करा दूँ। मैं महाप्रज्ञा कॉलेज का उपाचार्य हूँ और कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूँ, लेकिन आध्यात्मिक में भारतीय दर्शन में रुचि होने के नाते इनका कुछ सवाल है मन में कि गुरु पूर्णिमा के ऊपर, गुरु के ऊपर, तो उन सभी सवालों को सभी सवालों का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा जो जवाब है पसंद आएगा। तो मैं अनिल से ही आग्रह करता हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल है, जैसा भी सवाल है, इस शुभ अवसर पर आप मेरे से पूछें और मैं अभी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करूँगा क्योंकि आप भी मेरे गुरु हैं। तो गुरु जी, हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं वो कई तरीके से उत्कृत होते हैं, तो गुरु पूर्णिमा अवसर है क्या? क्योंकि आप किसी भी दिन पे, किसी भी जयंती पर बात करते हैं तो उसका एक ही प्रश्न सबसे पहले निकल के आता है, ये है क्यों मनाया जाता है, तो इस पर कुछ प्रकाश। बिल्कुल, आपने प्रणाम किया तो निश्चित रूप से मैं मेरी जो शुभकामनाएं आपको देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं कि आप जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें, प्रगति करें। ईश्वर आपको सद्बुद्धि और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। गुरु पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं, तो व्यास पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं तो महर्षि वेदव्यास की तरफ हम जाते हैं। उनके नाम की वजह से आज को हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और बौद्ध मत के अनुसार ऐसा मान्यता है कि आज के दिन भगवान बुद्ध जो है उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया था, इसलिए भी बहुत सारी जगह पर इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप से भी जाने जाते हैं और लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जो जैन है, जो बुद्धिस्ट है और जो सनातनी है, तो तीनों ही इस पर्व को बहुत धूमधाम से और बहुत उल्लास से, हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन करते हैं। और तीनों धर्म में इसका जो मत है गुरु को लेकर पूरी तरीके से आध्यात्मिक मत है और जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो गुरु पूर्णिमा की जब आप बात कर रहे हैं तो हम सब जिस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए, इस इंस्टीट्यूशन भी एक गुरुजी के नाम पे तैयार हुआ, निर्माण हुआ और 10 वर्ष से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। अभी हम 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अगर महाप्रज्ञा जी नहीं होते तो शायद महाप्रज्ञा कॉलेज नहीं होता। और महाप्रज्ञा जी की भी एक शिष्य श्रीमान रोशनलाल संचित जी, जिन्होंने अपनी गुरु की बातों पर आस्था रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए इस दिवस का सार्थकता को और ज़्यादा नया दिशा दे दिया या सही दिशा दे दिया, ये मैं कहना चाहूँगा। तो गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा भी आप कह सकते हैं क्योंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो आज लास्ट है, इसके बाद में फिर श्रावण का महीना शुरू हो जाएगा। तो बारिश अभी तक पूरी भारत में जो मानसून हम कहते हैं वो आ चुका है। तो धरती जो है, ऐसे मानना है, अगर कोई साहित्यकार हो तो वो ऐसे कह सकता है कि धरती जो है हरा रंग की चुनरी ओढ़ ली है, ऐसे माहौल में है। और गुरु पूर्णिमा की जब आप बात करते हैं तो, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे जैसे सवाल पूछते जाइए मैं वैसे वैसे उसका उत्तर दे जाऊँगा। तो गुरु पूर्णिमा के ऊपर जो बातें थी मैंने आपको बता दी, अब आपका अगला प्रश्न। गुरु जी, हमारा एक प्रश्न है कि क्या भारतीय संस्कृति में गुरु कोई विशेष रखता है, गुरु शब्द का क्या कोई महत्व है? तो गुरु शब्द की व्याख्या के ऊपर आप जोर दे रहे हैं कि गुरु शब्द है क्या जी। वैसे मैकॉले के अनुसार अगर चले तो, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार चले तो, आज जो शिक्षक है वो शिक्षक दिवस नहीं है, वो तो 5 अक्टूबर है, 5 सितंबर है, जिस दिन हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं।
तो मैकोले के द्वारा या उसके सिद्धांत पर आधारित जितने सारे स्कूल कॉलेजेस है, तो वहाँ पर विद्यार्थी भी एक गुरु पूर्णिमा के दिन एक नए उत्साह से जोश से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब गुरु की बात करते हैं तो गुरु टीचर नहीं है। गुरु शब्द एक तरफ लिखे और एक तरफ आप टीचर शब्द लिखे तो दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो गुरु शब्द में अगर बात करेंगे तो दो शब्द से, दो मुख्य रूप से उसमें दो अक्षर हैं और उसमें दो मात्राएं लगी हुई है। ग में छोटी उ की मात्रा लगी है, र में बड़ी उ की मात्रा लगी है, गुरु है। तो गुरु का मतलब जब ग में उ की मात्रा लगता है, जो गु शब्द उत्पन्न हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अंधकार। अगर कोई गुरु गीता पढ़े या अष्टावक्र जी और जनक जी के जो संवाद है उसको पढ़े, तो उससे ये चीज़ निकल के आता है कि अंधकार जो है उसको हटाने का जो काम है, र का मतलब आलोक है, रोशनी है, उजाला है। तो गुरु ज्ञान रूपी उजाले से, रोशनी से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला होता है और गुणों से अतीत होता है, इसलिए उसको गुणातीत भी कहा गया है। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं गुरु को लेके हैं, लेकिन भारतीय दर्शन गुरु का मतलब होता है कि आध्यात्मिक मान्यता प्रदान करता है। तो इसकी आध्यात्मिक महत्व बहुत है, जो जीवन मरण से अपनी जो शिष्य है उन पर कृपा करके उसे मुक्त कर देता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा अनिल, कि गुरु जो है उसके पास बहुत सामर्थ्य होता है। जो अपने शिष्य की या उनके जो भी शरणागति कर लिया है उसकी प्रारब्ध को भी नष्ट करने का क्षमता होता है, जबकि भगवान के पास में भी ये क्षमता नहीं होता है कि वो किसी की प्रारब्ध को नष्ट कर दे। लेकिन गुरु के पास वो सामर्थ्य है वो किसी की प्रारब्ध को नष्ट कर दे। लेकिन आजकल गुरु शब्द का बहुत दुरुपयोग होता है और हर जगह पर गुरु, हाँ गुरु कहाँ जा रहे हो, ये नहीं है, ये एक फुहड़ता है। तो गुरु शब्द का दार्शनिक मान्यता, भारतीय मान्यता यही है जो मैंने आपको बताया। अब अगला प्रश्न आप। जैसा कि आपने बताया कि इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, तो एक प्रश्न है कि ये गुरु परंपरा जो शुरुआत है, जिसका उद्भव है, कहाँ से हुआ है, गुरु परंपरा कहाँ से चली है, क्या ये व्यास ही गुरु मानते हैं, तो इस पे थोड़ा प्रकाश। बिल्कुल, आपने जो कहा है कि गुरु परंपरा की बात कहा है, तो ऐसा माना गया है कि जो आदि पुरुष है वो नारायण है और नारायण को ही अखिल ब्रह्मांड का गुरु माना गया है। तो आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जब गज को मतलब हाथी को ग्राह ने उसके पाँव पकड़ लिया और उसको खींच रहा था और जीवन मरण की स्थिति में वो अधर झूल की स्थिति में था, क्या करूँ, सभी संगी साथी छोड़ दिए थे, तभी उसने उस नारायण को अखिल गुरु भगवान नमस्ते कह के उन्होंने स्मरण किया कि इस अखिल ब्रह्मांड के जो गुरु है, हे नारायण आप ही मेरी रक्षा करें, आपको ही मैं नमस्कार करता हूँ। तो नारायण ही हमारे पहले गुरु है, भगवान नारायण ही गुरु है। तो बहुत सारे लोग कबीरदास जी के मत देते हैं, मैं कबीरदास जी को एज ए कवि के रूप में जब अपन लेते हैं या उनका जब विवेचन करते हैं तो वो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। वो तो गुरु और गोविंद दोनों तब खड़े हो सकते हैं जब भेद है, अभी भी कोई भेद है। अगर भेद नहीं है, अज्ञान है ही नहीं है, कोई संशय है ही नहीं है, तो गुरु ही गोविंद है। इसलिए ये सवाल उठता ही नहीं है, ये सवाल बनता भी नहीं है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए। जब हम तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, तुलसीदास जी को फॉलो करते हैं, तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश अविनाशी। तो आप तो वैसे ही ईश्वर के अंश आपके अंदर विद्यमान है। इसलिए मैं अनिल आपको यही कहना चाहूँगा कि आपसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सभी को हमें प्रणाम करना चाहिए जी। क्योंकि किसी के शरीर की उम्र तो बताया जा सकता है, जैसे ओशो से बात किया गया तो किसी ने पूछा ओशो से कि भाई आपका उम्र कितना है, तो रजनी से उसको कहते हैं कि उम्र शरीर की पूछ रहे हो या आत्मा की पूछ रहे हो। कितनी बार तो हम शरीर धारण कर चुके हैं। अगर आप भारतीय दर्शन से विश्वास रखते हो, उसको मान्यता देते हो, तभी तो मेरे बात आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप नहीं है, नास्तिक है, तो मेरे बात आपके लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल उपयोगी नहीं है। अगर आपको वेदों में श्रद्धा है,
वेद गुरु किसको कहता है? मैंने आपको कहा ना, जो प्रारब्ध को, जिसके पास वो क्षमता है कि अपने अनुगत का, अपने शिष्य का, अपने शरणागति का, जो शरणागत कर चुका है, जो उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दे अपने तप से, वो गुरु है। ऐसा नहीं है हर कोई व्यक्ति गुरु बन जाएगा। वो सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ना आप में आ सकता है, ना किसी और में आ सकता है, ठीक है ना। वो जो ईश्वर के नज़दीक है, ईश्वर उसको देता है। तो जब हम ही खुद ईश्वर के अंश हैं और हम इस चीज़ को मान लें, इस चीज़ को हम समझ लें, स्कूल में हम कितने बार कहते हैं गुरुदेव भव, लेकिन मानते नहीं है ना। मानते कहाँ हैं? मिल मातृदेव भव, मानते कहाँ हैं? माँ के साथ बदतमीजी करते हैं। पितृदेव भव, पिता को देवता कहाँ मानते हैं? जब आप कह रहे हैं स्कूल के अंदर, मेरे ख्याल से राजस्थान नहीं, भारत के अंदर जितने सारे स्कूल है, सभी स्कूलों में ये बातचीत होती है जी, कि गुरुदेव भव, पितृदेव भव, मातृदेव भव, आचार्य देव भव, मर्जी पड़े सब चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको मानते नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये चिंतन का विषय है, ये अनुकरण का विषय है कि हम जो कह रहे हैं उसको माने। पहली बात तो ये। तो गुरु शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं या उसको बढ़ते आगे चलते रहते, वेद क्या कहता है और व्यास जी को हम गुरु कह के प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? क्योंकि नारायण पहले गुरु हुए, नारायण के बाद में नारायण के जो पुत्र, क्योंकि उनके नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ, तो ब्रह्मा जी सेकंड में है, फिर द्वितीय में ब्रह्मा के पुत्र जो हुए वो वशिष्ठ हुए, तो वशिष्ठ हो गए फिर तीसरे गुरु। फिर जब आगे गुरु परंपरा की बात करते तो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, फिर शक्ति के पुत्र पराशर हुए, फिर पराशर के पुत्र व्यास हुए। व्यास ने जो काम किया, महर्षि वेद व्यास जी जिसको हम कहते हैं, इन्होंने वेदों का जो क्लासिफिकेशन किया, वेदों की रचना नहीं की। वेद उतने पुराने हैं जितने ईश्वर हैं। जैसे ईश्वर शाश्वत है वैसे वेद भी शाश्वत है। अब मेकोले के अनुसार अगर अपन चले तो मर्जी पड़े जो सिद्धांत बताते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया के जितने सारे रिसर्च करने वाले लोग हैं जो वेदों के पर, इनके पर रिसर्च करें, बताएं वेद कब कौन सी सन में लिखी गई और वेद की जो भाषा शैली है, ठीक है, उसको आप डेवलप करके दिखा दो। वेद के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है आज, वही सारी चीज़ें वैसे एजिटिस हो रही है। और सभी ज्ञान वेद शब्द का जब आप संधि विच्छेद करोगे या उस शब्द को जब तोड़ोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, वेद का मतलब ही ज्ञान है। तो वेद व्यास जब बात करोगे तो फिर वो कौन है भैया? ये तो बहुत बड़े, क्योंकि वो जो नारायण की परंपरा आ रही थी पराशर से, और पराशर से वेद व्यास जी, फिर वेद व्यास जी के पुत्र हुए जिनका नाम है सुखदेव जी, फिर सुखदेव के, उन्होंने तो शादी नहीं करी, वो तो आजन्म ब्रह्मचारी रहे, तो सुखदेव जी के शिष्य हुए, शिष्य को ही पुत्र माना गया। और सुखदेव जी के जो शिष्य हुए वो गौड़पादाचार्य हुए, जिसके बाद गौड़ीय परंपरा भारत के अंदर विकसित हुआ, और जो गोवा शहर आप देख रहे हैं आज भारत के अंदर, जो अस्तित्व, जो गोवा शब्द बना वो गौड़पाद की वजह से बना, जो भारत के अंदर जो गौड़ीय ब्राह्मण है या गौड़ीय परंपरा है, ठीक है, तो इसकी जो प्रवर्तक है वो गौड़पाद है, और गौड़पाद के कार्य का चारों ओर विख्यात है। अगर इसको पढ़े और समझे तो हमारे जीवन आनंद से भर जाएगा, ज्ञान से भर जाएगा, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर गौड़पाद के शिष्य हुए गोविंदपाद, और गोविंदपाद ने अपने एक महत्वपूर्ण शिष्य जो केरल से निकल के आए और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में, उन्होंने आचार्य शंकर को पूरा ज्ञान दिया, और फिर वो वेदांत को, अद्वैत वेदांत को उन्होंने किस प्रकार से भारत के अंदर फैलाया, और शैव शाक्त और वैष्णव सबके बीच में एक सामंजस्य बनाया, सबको चारों ओर जो अलग अलग व्यवस्थाएं थी उन सभी को एक करने की कोशिश किया, और सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया आचार्य शंकर। तो हम सभी की श्रद्धा के जो पात्र है, आदर के जो पात्र है, सम्मान के जो पात्र है, या आस्था के जो पात्र है, वो आचार्य शंकर है। हम सभी को आज के इस दिवस पर आचार्य शंकर को प्रणाम करना चाहिए, क्यों? आचार्य को, शंकर को प्रणाम करने का मतलब सीधा नारायण को जाता है। और आज भारत के अंदर में चार मठ है, और चार मठ के अंदर चार शंकराचार्य, लेकिन एक जो मठ है द्वारिका पीठ के, और ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य है वो स्वरूपानंद सरस्वती है, दो मठ का भार उनके पर है। अभी वहाँ पर उत्तराखंड में कोई शंकराचार्य नियुक्त नहीं हुए, और बाकी पूरी के जो गोवर्धन मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी सरस्वती, ऋग्वेद मनाय पीठ को रिप्रेजेंट करते हैं। और गोवर्धन नाम देखिए, गोवर्धन गो का वर्धन के लिए काम करने वाला मठ है। मैं उस मठ में अभी जाके आया था गोवर्धन मठ, और मेरा बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि आचार्य श्री का मुझे दर्शन लाभ हुआ,
और उनके सामने, उनके वोच के सामने मैं कोई सवाल पूछने की स्थिति में नहीं था, बाकी मन में तो बहुत सारे सवाल था। तो मैं यहाँ से ही निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, ताकि ये परंपरा आगे इस तरीके से जीवित रहे। ये गुरु परंपरा है और इस प्रकार से गुरु परंपरा भारत के अंदर विकसित हुआ है। और लोग जब गुरु के रूप में मतलब किसी का पूजन करते हैं तो ऐसे मान्यता है कि उनके अंदर व्यास जी का अंश है, क्योंकि व्यास जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों का क्लासिफिकेशन किया। ऐसी सामर्थ्य भारत में किसी भी महर्षि के अंदर नहीं आ सका जो वेदों का क्लासिफाई कर सके, और वो सामर्थ्य वेदव्यास जी में था। और खुद वेदव्यास जी का जो पहला नाम है वो कृष्ण था, क्योंकि उनके रूप के अनुसार अगर बात करें थोड़ा व्यास जी के बारे में, मैं व्यास जी के बारे में बता रहा हूँ कि व्यास जी जो है, जब एक नाव में नदी पार कर रहे थे तो उस समय ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा दोनों का एक दूसरे के नज़दीक आना हुआ, और फिर पराशर जी के वीर्य से जो पुत्र प्राप्त हुआ मत्स्यगंधा को, वही व्यास बने। और एक द्वीप में होने की वजह से, उनके रूप की वजह से उनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया। और जो बदरी, बदरी का मतलब होता है बेर जो हम खाते हैं, ठीक है ना, तो वो जो बेर के जो बन थे उसको बदरी बन कहते हैं। तो वहीं रहने की वजह से उनका नाम बाद में वेद शब्द भी, बदरी शब्द जो है वो उनके साथ जुड़ा और वेदों का क्लासिफिकेशन किया। बाकी उनका नाम तो कृष्ण द्वैपायन था। तो वेदव्यास जी का जो ओरिजिनल नाम है कृष्ण द्वैपायन है। मेरा एक प्रश्न है कि उन्हें व्यास और वेद कहाँ से मिला? व्यास का मतलब देखो, वेद को क्लासिफिकेशन करने की वजह से तो उनका नाम वेद आ गया, और व्यास का मतलब आप देखो ना, ये पूरी धरती क्या है, गोल है। अब इस धरती का अगर मेजरमेंट करना है, जगत का अगर मेजरमेंट करना है, तो एक मैथमेटिक्स की दृष्टि से, ज्योमेट्री की दृष्टि में अगर आपको आर की ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप करोगे क्या? तो भारतीय परंपरा को अगर जानना है, समझना है, तो आपको वेद व्यास की तरफ बिल्कुल आना पड़ेगा, चाहे अग्निपुराण हो, चाहे जो 18 पुराण की उन्होंने रचना करी, उन 18 पुराणों में जो बातें उन्होंने रख दी, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय, जब हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ ही व्यास है, कृष्ण है, नारायण है, शंकराचार्य है। बड़ी अद्भुत बात। भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि दूसरे धर्म के समान या उनसे अलग गुरु के ही इर्द गिर्द घूमती है? क्योंकि अगर आप ध्रुव को देखें तो उन्हें भी गुरु की आवश्यकता रही। हाँ, अब ध्रुव तो बहुत चला गया। अब ऐसी प्रसंग आप पूछोगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, तो बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन ध्रुव तो छोटे से बालक थे, 5 वर्ष की आयु में भगवान नारायण का दर्शन कर लिए। तो अगर नारद जी बेस बदल के पूछ रहे हैं उस बालक से कि बालक तुम जंगल में क्या कर रहे हो, कि माँ ने कहा कि तब करो, तब किसकी करोगे, कि मुझे पता नहीं, आप मुझे मिले तो आप ही बता दो। उन्होंने फिर ध्रुव बोले कि मुझे बहुत मुश्किल से तो आप मिले, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो उन्होंने नारद को ही गुरु बना लिया, ठीक है ना। फिर नारद जी ने उनको उपदेश किया, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। और फिर उसके बाद देखो, जब भगवते वासुदेवाय वो मंत्र दिया, और उस मंत्र की साधना से ध्रुव को ध्रुव लोक प्राप्त हुआ, एक नया लोक प्राप्त हुआ, ठीक है। और किस प्रकार से उन्होंने अपने कुल परंपरा को, राजा उत्थान पात की संतान होने के वजह से क्या होते, एक जगह का राजा बनते। लेकिन आज इतनी पुराण लंबी चौड़ी इतिहास को पीछे छोड़ते हुए लोग आज भी ध्रुव को नहीं भुलाए हुए थे ना, तो आज भी ध्रुव को याद करते हैं। तो ध्रुव की जो तपस्या है, और गुरु परंपरा में उन्होंने नारद को गुरु बनाया। आप देखो ना, जब आप नारद जी की बात करते हो जी, तो नारद जी की भी जो शिष्य है वो बहुत अद्भुत है। नारद जी की अगर शिष्य परंपरा में बात करोगे तो उनके 2 शिष्य है, मतलब 4 शिष्य है टोटल। तो देखो हमारे 4 आश्रम है, तो 4 आश्रम है ना, 4 वेद है, ठीक है ना, 4 धाम है। हमारी 4 का बहुत महत्व है हमारी जीवन में, मतलब सनातन परंपरा की हम बात करें तो इसमें 4 का बहुत महत्व है, बड़ा महत्व है। तो इनके भी, नारद जी के भी 4 शिष्य रहे। तो एक शिष्य है, देखो 2 तो बच्चे और 2 बूढ़े। अच्छा, नारद जी के जो शिष्य रहे 4, इसमें 2 बूढ़े और 2 बच्चे। और बूढ़े कौन कौन, ये 2 बूढ़े जब हम बात करते, तो एक तो उनका जो पहले शिष्य बने वो वाल्मीकि, और दूसरे शिष्य जो बने वो वेदव्यास जी। वेदव्यास जी को नारद ने ही प्रेरणा की, तब जाके उन्होंने सारी चीज की। और वेदव्यास, नारद ने वाल्मीकि जी को ही प्रेरणा की, तब जाके उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की।
तो उनकी जो दो छोटे शिष्य है बच्चे वाले जो मैं बता रहा हूँ, एक तो ध्रुव हो गए, प्रहलाद हो गए। तो ध्रुव प्रहलाद दो शिष्य, अब देखो नारद ने कैसे क्रांति फैला दी। चाहे प्रहलाद के नाम ले लो, राक्षस कुल में जन्म होने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। और विमाता ने कहा ध्रुव को कि तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता, राजा की गोद में बैठने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मेरे घर मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोख से जन्म कैसे लूँ, क्या करूँ, कि तू जा तपस्या कर, अगर नारायण प्रसन्न हो जाए तो ये चीज़ हो सकता है, नहीं तो तू मेरे पुत्र बन के आएगा तो हो सकता है। तो विमाता की बात को माना, आज देखो जरा सोचो, माँ की बात ही नहीं मान रहे, विमाता की क्या बात मानेंगे। सुरुचि ने तो हाँ, तो विद्रोह थोड़ी किया ध्रुव ने, ध्रुव ने विद्रोह नहीं किया। तो ध्रुव की इस बात से देखिए कि जो ध्रुव का तिरस्कार हुआ, पिता की गोद में बैठा था उसको उठा के डाल दिए नीचे कि नहीं तू बैठ सकता है, ठीक है ना, मैं राजा का प्रिय रानी हूँ, तो मेरा बेटा ही सिंहासन पर बैठेगा, राजा की गोद में बैठेगा, तो नहीं बैठ सकता है, मेरा बेटा होता तो बैठता, या फिर नारायण को प्रसन्न कर दे, तो नारायण प्रसन्न करेगा तो पूरी जगत का जो आधार है, जब वो तेरे साथ है तो तेरे को कौन रोकेगा, पूरी जगत का राजा बन जाए। ध्रुव ने कितना लंबा शासन किया, तो ये हमारी परंपरा है। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न है अंतिम। हाँ बिल्कुल, कि मैं प्रश्न नहीं कहूँगा इसे, परंतु अगर भावी परिदृश्य को देखते हुए आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो त्यौहार है, ये गुरु पूर्णिमा है, इस तरह के जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये कहीं ना कहीं क्षीण होते जा रहे हैं। नहीं क्षीण नहीं हो रहे, इन्हें उन तरीके से नहीं देखा जा रहा है जो इनका वास्तविक। आप आपने शायद प्रश्न को अगर सही तरीके से इसको बनाओगे, प्रश्न को क्षीण नहीं हो रहा है, आरंभ आ रहा है, दिखावा आ रहा है जी, इससे इसको हटाना है, यही था है ना। हाँ। इसमें जो दिखावा है, इसमें जो आरंभ है ना, इसको समाप्त करना है। गुरु ये लोक परलोक सबसे मतलब सब चीज़ों से मुक्त करने वाला तत्व है गुरु। ये थोड़ी है मैकुले के मानस पुत्र जो गुरु बनेंगे, ऐसा नहीं। मैकुले के मानस पुत्र टीचर बन सकते है ना, गुरु नहीं बन, गुरु बनने की एबिलिटी है नहीं। गुरु के लिए तप चाहिए, तपस्या कर, जीवन में पवित्रता चाहिए। तो जीवन में हमारी पवित्रता तो है ही नहीं, जीवन में हमारे कुछ सिद्धांत है ही नहीं, हम वेद का तो अध्ययन करते ही नहीं है, तो फिर कहाँ से सब चीज़ें हमें प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो गुरु एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, अगर आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नष्ट नहीं होता है, इसका मतलब आप वेद को मानते हैं, इसका मतलब आप वास्तविक हैं, इसका मतलब आप गुरु को मानते हैं, इसका मतलब आप नारायण को मानते हैं, तो सदैव ये परंपरा है, ठीक है ना। आवश्यकता है कि मान्यता देने की, आवश्यकता है अपनाने की, आवश्यकता है कि आडंबर से दूर रहने की। तो गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ हम आज की इस डिस्कोर्स को यहीं विराम देते हैं। आप सभी अपने गुरुओं के नज़दीक रहिए, इनका कृपा पात्र बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।